गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर एज यू नो वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर टू दैट इज़ अ सेक्शल रिप्रोडक्शन इन फ्लारिंग प्लांट्स एंड वी हैव डन सम टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ वी हैव डन अबाउट सम डिस्कशंस रिगार्डिंग द फ्लावर देन वी हैव डन द टॉपिक प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स में हमने जो प्री फर्टिलाइजेशन में या फिर फर्टिलाइजेशन से पहले जो एक फ्लारिंग प्लांट में स्ट्रक्चर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए उनके बारे में डिस्कस किया था तो फ़र्टिलाइजेशन से पहले हमें क्या चाहिए मेल एंड फीमेल गमीट्स तो हमने स्टेमन माइक्रोस्प्रिंजियम और ग्रेन जो मेल गमीट को रिप्रेजेंट करता है या जिसमें मेल गमीट बनते हैं स्टेमन में माइक्रोस्प्रिंजियम में मेल गमीट बनते हैं और ग्रेन मेल गमीट को रिप्रेजेंट करता है तो उसके बारे में डिटेल हमने पढ़ी थी तो द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज स्टेमन एंड दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एंड्रोशियम इसकी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन पढ़ी थी जिसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते थे फिर मेल गमीट का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसको पोलन पोलंग्रीन कहा जाता है पोलन पोलंग्रीन का स्ट्रक्चर उसके क्या बेनिफिट्स हैं उससे कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं या इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं हम लोगों के ऊपर उसके बारे में डिस्कस किया था नेक्स्ट हमने जो स्ट्रक्चर डिस्कस किया था दैट इज़ अ पिस्टिल मेगास्प्रेंजियम एंड एम्ब्रोसैक्ट दैट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का या जिस पार्ट को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है दैट इज़ अ पिस्टिल और उसमें जो फीमेल गमीट को रिप्रेजेंट करता है दैट इज़ अ एग विच इज़ प्रेजेंट इन साइड द एम्ब्र्यूस एग एक टिपिकल अब्यूल का स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया था ये इंपॉर्टेंट है अब्यूल का स्ट्रक्चर बहुत बार पेपर में आता है टू मार्क्स का क्वेश्चन टाइप्स ऑफ अब्यूल्स हमने पढ़ी थी ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर में बहुत बार कौन से प्लांट में किस तरह का अब्यूल होता है या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो अब्यूल हैं वो उसका एक एक एग्जाम्पल कई बार पूछ लेते हैं पेपर में देन नेक्स्ट हमने स्टडी किया था मेगास्पोरोजेनेसिस स्ट्रक्चर ऑफ आ सैक जो यहाँ पे सी डायग्राम में दिखा रखा है इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसका भी डायग्राम पेपर में आता है देन एक क्वेश्चन जो इनडायरेक्ट आता है पेपर में दैट इज़ आ सैक इज एट न्यूक्लियट बट सेवन सेल्ट ये मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियो सैक के अंदर आठ न्यूक्लियस होते हैं लेकिन उसके अंदर सेल कितने होते हैं सात तो ये भी रीजनिंग क्वेश्चन के बाद पेपर में आ जाता है तो इसको भी आपने अच्छे से तैयार करना है क्वेश्चन को सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉलीनेशन जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो पोलन ग्रेन है वो मेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एम्ब्रियोसैग जिसके अंदर एग है और पोलर निकलाए हैं जो फीमेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं देन वो टाइप ऑफ गमीट्स आर नॉन मोटाइल फ्लॉरिंग प्लांट्स में क्या होता है कि दोनों ही गमीट्स ना तो मेल गमीट के पास चलने फिरने के लिए कोई स्ट्रक्चर है ना फीमेल गमीट के पास दोनों ही नॉन मोटाइल हैं तो उन दोनों की फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए उनकी फ्यूज़न करवाने के लिए उनको एक दूसरे के क्लोज लाना ज़रूरी है तो फीमेल गमीर तो कभी भी फीमेल के एम्ब्रोसैक से निकल के या फिर ओबरी से निकल के बाहर रिलीज़ नहीं होता है जो रिलीज़ होता है इन्वायरमेंट में दैट इज़ अ पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन खुद चल फिर नहीं सकता इसलिए कुछ एक्सटर्नल मीडियम्स या एक्सटर्नल एजेंसी का यूज़ करता है वो फीमेल गमीट तक पहुँचने के लिए उस ट्रांसफ़र को पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करना स्टिग्मा तक जिससे वो फीमेल गमीट के साथ फर्टिलाइज़ कर पाए या फर्टिलाइजेशन कर पाए उस ट्रांसफर को पोलन ग्रेन कहते हैं और जो एजेंट्स जिन एजेंसीज के थ्रू पोलन ग्रेन को पहुंचाया जाता है स्टिग्मा के थ्रू क्योंकि पोनंग्रेन को चल फे नहीं सकता है कुछ एक एक्सटर्नल मीडियम से एक्सटर्नल एजेंट्स का यूज़ करेगा उन एजेंट्स को पोलिनेटर्स कहा जाता है सो पोलिनेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ और प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल दैट इज़ पॉलीनेशन पॉलीनेशन के लिए एक्सटर्नल एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं आपने अपने चारों ओर ऑब्जर्व करना है कि ऐसे कौन कौन से एजेंट्स हैं जिनके थ्रू पॉलर्न ग्रेन जो है वो स्टिगमा तक पहुँच रहे हैं आपने देखा होगा कि कई बार आपके जो चारों ओर है वो येलो डस्ट सी दिखाई देती है आपके एक्सटर्नल मीडियम में या फिर पानी में आपने कई बार देखा होगा ऊपर एक एक येलो लेयर की येलो कलर की लेयर जो है वो तैर रही होती है तो वो पोलन ग्रेनस होते हैं जो कई बार पानी का मीडियम यूज़ करते हैं ट्रांसफर के लिए कई बार एयर का मीडियम यूज़ करते हैं कई बार इंसेक्ट का मीडियम यूज़ करते हैं तो आपने ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से ऐसे मीडियम्स आपको दिखाई दे रहे हैं एजेंट साइकिल दिखाई दे रहे हैं जिनके थ्रू पॉलिंग्रेन्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है काइंडस ऑफ पॉलीशन पॉलीनेशन को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑटोगैमी तो एंड नेक्स्ट इज द जेटनोगैमी एंड नेक्स्ट इज द जीनोगैमी कई बार पोलिनेशन की दो टाइप्स भी बनाई गई हैं वन इज़ अ ऑटोगैमी एंड सेकंड इज अ अलोगैमी जो जिट्नोगैमी और जीनोगैमी है ये एलोगैमी की आगे फर्दर दो सब टाइप्स हैं टू सब टाइप्स हैं तो कुछ एक बुक्स में ऐसा दिया गया है कि ऑटोगैमी एंड एलोगी आर टू टाइप्स एंड जिट्नोगी एंड जीनोगैमी आर फर्दर टू सब टाइप्स ऑफ एलोगेमी हम वन नंबर वन इनको डिस्कस करेंगे ऑटोगैमिन ऑटोगैमी में क्या होता है ट्रांसफर ऑफ पोलोगे फ्रॉम द एंथर एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर एक फ्लावर जो बाइसेक्शल है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है तो उसी फ्लावर में क्या होता है उसके एंथर से जो पोलंग्रेन निकलते हैं वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाते हैं और उसके फीमेल गमीट को फर्टिलाइज कर देते हैं तो उस पर उसको कहा जाता है ओटोगेमी ओटो का मीनिंग है सेल्फ गेमी का मतलब है मैरिज सेल्फ मैरिज अपने ही पोलन ग्रेन ने अपने ही जो फीमेल गमीट है उसको फर्टिलाइज कर दिया उसी फ्लावर के सेम पार्ट्स यूज हुए मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसने उसमें से ग्रेन निकले और उसने उसी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो एग प्रेजेंट था या ओब्यूल में जो एग या पोल निकलाए थे उनको फर्टिलाइज कर दिया अब उसके बाद दो तरह के फ्लावर होते हैं दैट इज अ चेस्मोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्टोग्लैमिस फ्लावर बोथ आर मेंट फॉर द सेल्फ फर्टिलाइजेशन या फिर ओटोगैमी लेकिन जो चेस्मोगैमस फ्लावर हैं इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस 90 परसेंट नहीं होते हैं 10 परसेंट चांसेज ही होते हैं कि ये सेल्फ़ फर्टिलाइजेशन करें ये बाई हैं इनके पास एक ही फ्लावर में स्टिग्मा भी है और एक ही फ्लावर में पोलन ग्रेन या फिर स्टेमन भी है लेकिन फिर भी ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन या ओटोगैमी टेन परसेंट चांसेज हैं इनमें होने के नाइन्टी परसेंट चांसेज़ नहीं होते हैं क्लिस्टोग में हंड्रेड परसेंट चांसेज़ होते हैं सेल्फ फ़र्टिलाइजेशन के क्यों क्योंकि इनके फ्लावर में भी दोनों चीज़ें हैं लेकिन ये फ्लावर क्लोज्ड रहते हैं इसलिए इनमें क्लोज्ड फ्लावर में उसमें पोलन ग्रेन जो है वो ऑटोमेटिकली जब मेच्योर होते हैं तो उसी फ्लावर के जो स्टिग्मा होता है उसके ऊपर लैंड कर जाते हैं और फर्टिलाइजेशन कर जाते हैं लेकिन चेस्मोजगेमस फ्लावर ओपन फ्लावर हैं तो ये बाई लेकिन ओपन फ्लावर हैं ये खिल जाते हैं तो इनमें ज़रूरी नहीं है कि उसी पौधे उसी फ्लावर के पोलंग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करें क्योंकि हवा के साथ किसी दूसरे फ्लावर के पोलंग्रेन उसी स्पीसीज़ के किसी दूसरे फ्लावर के पोलंग्रेन भी स्टिग्मा के ऊपर पहले आके लैंड कर सकते हैं दूसरा अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होनी है किसी भी फ्लावर में तो दो कारण दो उसमें से मेन एम पूरे होने चाहिए या उसमें दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए नंबर वन कि वो फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे मेच्योर हो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम टाइम पे मेच्योर हो जिससे दोनों फर्टिलाइजेशन कर सकें और दूसरा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर और पिस्टल दोनों जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए लेकिन चेस्मोगैमस फ्लावर में जो है वो ऐसी कंडीशन जो है वो कम देखी गई है या रेयर होती है जिसमें दोनों सेम टाइम पे मेच्योर हों या दोनों बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज़ हों तो चेस्मोग्लेमस फ्लावर हैं तो बाइसेक्शन फ्लावर लेकिन उनमें फसाइल फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं क्लिस्टोग फ्लावर बाइसेक्शन फ़्लावर हैं दे आर द परफेक्ट दे आर ऑल्सो नॉन एज अ परफेक्ट फ्लावर बिकॉज वो कभी भी नहीं ओपन होते बंद फ्लावर में क्लोज्ड फ्लावर में फ्लावर जब अभी बर्ड कंडीशन में ही है तभी उसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन होकर उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है बिकॉज क्योंकि उसमें से जो पोलन ग्रेन हैं और जो स्टिग्मा हैं वो उस बंद फ्लावर के अंदर ही मेच्योर होते हैं और अंदर ही वो पोलनग्रे स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाते हैं और उसके साथ फर्टिलाइजेशन हो जाती है और सेल्फ पॉलिनेशन का मेथड यहाँ पे फॉलो होता है तो यहाँ लिखा हुआ है दैट इज अ क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरेबली ऑटोगेमस हमेशा ये ऑटोगेमस ही सेल्फ पॉलिनेशन ही करते हैं देर आर नो चांसेज ऑफ क्रॉस पॉलीनेशन दे नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे व्योला ऑग्जैलिस एंड कॉमनिलिया कौमेन, इनमें दोनों तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं ये प्लांट्स जेस्मोगेमस फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं और क्लेस्टोगेमस फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं इसमें से ये कंडीशंस भी बता रखी हैं कि कंप्लीट ऑटोग्रामी इज़ रेदर रेयर अगर कंप्लीट ऑटोग्रामी करनी भी है तो दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए रिक्वायर सिन क्रॉनी मतलब दैट इज़ अ सेम सेम टाइम पर सीन क्रोनी इन द स्पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई टू क्लोज इच अदर नेक्स्ट एक क्वेश्चन है क्लिसटोगैमी इज एडवाटेजेस और डिसएडवाटेजेज टू द प्लांट वा है आपको बताना है कि क्लिस्टोगी एडवांटेज है या डिसएडवाटेज हैं उसकी अगर एडवांटेज हैं तो क्यों डिसएडवाटेज है तो क्यूँ तो इसका जो आंसर है मैंने ये कॉमेंट बॉक्स में आपको बता रखा है क्लिस्टोगैमी इज द परफेक्ट सेल्फ पॉलिनेशन है क्लिस्टोगैमी इज द परफेक्ट ऑटोगेमी इसमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही होती है तो आपको पता है सेल्फ पॉलिनेशन जब होगी तो चांसेस ऑफ वेरिएशन एंड एवोल्यूशन ऑफ जेनेटिकली सुपीरियर प्लांट्स इज़ रिड्यूस्ड जब सेल्फ पॉलिनेशन से कोई फ्लावर या कोई प्लांट बनेगा सेल्फ पॉलिनेशन के बाद तो उसमें न्यू वेरिएशंस या फिर न्यू जीन्स नहीं आएंगे उसमें दो अलग अलग फ्लावर्स के या दो अलग अलग पौधों के जीन्स मिक्स नहीं होंगे इसलिए नई वेरिएशन नहीं आएंगी तो जो नया प्लांट प्रोड्यूस होगा वो जेनेटिकली सुपीरियर नहीं भी हो सकता है अगर उसका पेरेंट जेनेटिकली सुपीरियर है तो नेक्स्ट जनरेशन सुपीरियर ही होगी लेकिन अगर जेनेटिकली सुपीरियर नहीं है या फिर उसमें अच्छे जीन्स नहीं है तो नेक्स्ट जनरेशन भी ख़राब जीन्स वाली ही बर्थ लेगी तो ये इसकी डिसएडवांटेज है जो डिसएडवांटेज एज सेक्शुअल रिपोडक्शन की भी आपने पढ़ी है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है दो अलग अलग पेरेंट्स के मेल और फीमेल के जो गेमिक्स फ्यूज़ होते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन जो बर्थ लेती है उसमें वेरिएशन होती हैं थोड़ी बहुत जीन में चेंजेस होते हैं इसलिए उसमें नए कम्बिनेशन ऑफ़ जीन होते हैं तो वो नए बदलते इन्वायरमेंट के साथ आसानी से एडजस्ट कर पाता है और उसमें अच्छे जीन्स होने की वजह से या न्यू कॉम्बिनेशन होने की वजह से वो एक सुपीरियर वेराइटी में डेवलप होता है लेकिन क्लिस्टोगेमी में ऐसा नहीं होगा उसमें उसी पेरेंट के पॉलन ग्रेन और उसी पेरेंट के एग हैं तो उनकी जब फ्यूज़न होगी तो वेरिएशन नहीं आएंगी इसलिए जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो सुपीरियर नहीं भी हो सकती है एडवांटेज क्या है इसमें दो पेरेंट्स जो हैं टू सेम पेरेंट जो हैं उनकी ही पोलंग्रेन और उनके ही जो एग है वो यूज़ हो रहा है टू सेम पेरेंट्स रिजल्टिंग जेनेटिकली प्योर लाइन ब्रीड्स तो अगर पेरेंट के जीन बहुत अच्छे हैं तो आपको नेक्स्ट जनरेशन जो मिलेगी वो भी बहुत अच्छे जीन वाली मिलेगी जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट जनरेशन में एक सुपीरियर वैरायटी मिल सकती है लेकिन इसकी कंडीशन है कि अगर पेरेंट के जीन्स बहुत अच्छे हैं पेरेंट्स में बहुत अच्छे करैक्टर हैं तो नेक्स्ट जनरेशन अगर आप चाहते हैं प्योर लाइन ब्रीड प्योर लाइन ब्रीड मतलब कि जैसा पेरेंट है वैसे ही बिल्कुल सेम जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में आएँ तो आपको इस कंडीशन से इस क्लिस्टोगेमी से वैसे आप प्लांट्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं मान लो आपने एक रोज़ का प्लांट प्रोड्यूस करवाया है जिसमें सब अच्छे करैक्टर हैं वो डिजीज़ रजिस्टेड है उसके फ्लावर का साइज़ बड़ा है उसमें परफ्यूम बहुत अच्छा है उसमें किसी इन्वायरमेंटल या स्ट्रेस रेजिस्टेंस है तो आप चाहते हैं कि उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन हो वो भी सेम उसके जैसी हो तो क्लिस्टोगेमी से हम वैसा फ्लावर प्रोड्यूस या वैसा पौधा प्रोड्यूस करवा सकते हैं दैट इज़ बाय द क्लिस्टोगेमी वी कैन प्रोड्यूस अ प्योर लाइंस लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पौधा है उसमें कुछ ख़राब करैक्टर है या इतनी अच्छी वेरायटी का नहीं है और नेक्स्ट जनरेशन उसकी अच्छी वरायटी की हो तो आप दो अलग अलग अच्छी वेरायटी के पौधों को फ्यूज़ करवाएंगे तब नेक्स्ट जनरेशन में अच्छी वरायटी के करैक्टर आएंगे लेकिन वो क्लिस्टोगेमी से पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें दो अलग अलग जो है वो प्लांट्स के जीन मिक्स नहीं हो रहे उसी प्लांट के मेल गमीट और उसी प्लांट के फीमेल गमीट फ्यूज करके नेक्स्टन बना रहे हैं तो दिस इज द वन डिसएडवांटेज एंड वन एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगी नेक्स्ट है जिटनोगी ट्रांसफर ऑफ ऑलंग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट जो एक पौधा है उसमें कुछ फूल लगे हुए हैं बाइसेक्शुअल भी हो सकते हैं यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और उसी प्लांट की सेम स्पीसी जो है वो दूसरे जगह लगी हुई है या उसके पास आसपास कहीं लगी हुई है और उसमें भी वो बाइसेक्शल या इनसेक्शल फ्लावर लगे हुए तो जब उन दो पौधों में आपस में ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का तो दैट इज़ नोन एज अ जेटनोगहैहमी इसमें जिटनोगेमी में एक कंडीशन है कि जो ट्रांसफर हो रहा है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पोलन ग्रेन का वो दोनों पौधे सेम स्पीसीज़ के होने चाहिए दैट शुड बी अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट आल दो आल्दो जिटनोग फंक्शनिंग क्रॉस पॉलिनेशन ये क्रॉस पॉलिनेशन ही है लेकिन इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स यूज हो रहे हैं जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ओटोगेमीज इज द पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट ट्रांसफ़र तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रहा है तो ये तो कंडीशन हुई क्रॉस पॉलिनेशन की लेकिन जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो सेम स्पीसी के बीच में हो रहा है या फिर सेम प्लांट में हो रहा है तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ ऑटोगैमी तो जेनेटिकली तो ये ऑटोगेमी है क्योंकि सेम प्लांट में ट्रांसफ़र हो रहा है लेकिन फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे एक पौधा है उसमें ऊपर की तरफ जो है मान लो वो बाइसेक्शल फ्लावर लगे हुए हैं और नीचे की तरफ जो बाइसेक्शल फ्लावर लगे हुए हैं उनका स्टिग्मा मेच्योर हो गया है और जो ऊपर की तरफ फ्लावर लगे हुए हैं उनका स्टिग्मा अभी मेच्योर नहीं हुआ उनके है उनके पोलंग्रेन मेच्योर हो गए हैं तो ऊपर वाले फ्लावर के पोलंग्रेन जो है वो नीचे वाले फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएंगे और उसकी फर्टिलाइजेशन कर देंगे सो दैट इज़ अ क्रॉस पॉलिनेशन क्योंकि एक फ्लावर का उसी सेम प्लांट में ऊपर वाले फ्लावर के जो पोलंग्रेन है वो नीचे वाले फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करके फर्टिलाइजेशन कर देते हैं या पॉलीनेशन कर देते हैं तो क्रॉस पॉलीनेशन हुई लेकिन वो पौधा सेम ही है एक ही पौधा है उसी पौधे के जो कुछ फ़्लावर हैं वो तो उसके उसी पौधे के दूसरे फ्लावर को फर्टिलाइज़ कर रहे हैं या पॉलीनेट कर रहे हैं तो इसलिए ये जो है वो सेल पॉलीनेशन भी है दूसरा इसका एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है कि मान लो दो सेम स्पीसीज़ के पौधे लगे हुए हैं दो रेड रोजेज़ के प्लांट लगे हुए हैं बिल्कुल क्लोज या थोड़ी दूरी पर एक दूसरे से तो एक रेड रोज का जो पोलिन ग्रेन है वो मच्योर होकर दूसरे स्पीस दूसरी जगह जो सेम स्पीसीज़ का रोज़ प्लांट लगा हुआ है उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उसकी पॉलिनेशन कर देते हैं या फर्टिलाइजेशन कर देते हैं तो दैट इज़ अ क्रॉस पॉलिनेशन लेकिन क्योंकि वो सेम स्पीसीज़ के हैं वो दोनों पौधे सेम स्पीसीज़ के हैं उनमें जो ग्रेन का लेन देन हुआ वो सेम स्पीसी के बीच में हो इसलिए ये सेल्फ पॉलीनेशन भी है फंक्शनली इट इज़ अ क्रॉस पॉलीनेशन बट जेनेटिकली जेनेटिकली मतलब उनमें जो जीन होंगे वो सेम प्लांट के होंगे सेम स्पीसीज़ के होंगे इसलिए वो सेल्फ पॉलीनेशन है उसके बाद नेक्स्ट है जीनोगैमी जीनोगैमी इज़ अ परफेक्ट क्रॉस पॉलीनेशन जेटनोगैमी इज नॉट अ परफेक्ट क्रॉस पॉलीशन जीनोगैमी इज़ अ परफेक्ट क्रॉस पॉलीशन ट्रांसफर ऑफ पॉलंग्रेन फ्राम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट डिफरेंट प्लांट मतलब वो प्लांट ही अलग होगा वो अलग स्पीसीज़ का होगा या अलग वेराइटी का हो सकता है दैट इज़ अ जीनोगैमी दिस इज़ ओनली टाइप ऑफ पॉलीनेशन जिसमें जो ग्रेन है वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे किसी दूसरी स्पीसीज़ या किसी दूसरे वेराइटी ऑफ प्लांट के ग्रेन जो है किसी दूसरी वैरायटी के प्लांट के स्टिग्मा को फर्टिलाइज़ या फिर उसको पॉलिनेट करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल एक जगह रोज़ प्लांट की रेड रोज़ की एक स्पीसीज लगी हुई है और उससे थोड़ी दूरी पर रेड रोज़ की दूसरी स्पीसीज या फिर दूसरी वैरायटी लगी हुई है जब उनमें आपस में लेन देन हुआ ग्रेन का तो दैट इज़ अ जीनोगैमी दोनों की स्पीसीज़ अलग अलग है सो जो जिट्नोगी और जीनोगैमी है इसमें आपने एग्जाम्पल स्टडी करने हैं कि जिटनोगैमी कौन से प्लांट्स में होती है जीनोगेमी कौन से प्लांट्स में होती है उसके बाद ये एक डायग्राम है जिसमें सेल पॉलिनेशन पहली वाली डायग्राम में सेल पॉलिनेशन दिखा दिखा रखी है एंथर अपने ही फ्लावर जो बाइसेक्शुअल फ्लावर है उसके एंथर से ग्रेन निकले और अपने ही उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया और फर्टिलाइजेशन या फिर पॉलिनेशन हो गई दैट इज नोन एज अ सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग स्पीसीज़ के प्लांट के ऊपर जो फ्लावर लगे हुए थे तो एक फ्लावर के ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड हुए तो ये क्रॉस पॉलिनेशन तो आप इस डायग्राम से इजिली जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है उसके बाद ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं पेपर में जो प्री प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हुए थे 2019 में उसमें ये क्वेश्चन आया था कि ये जो है, फ्लावर हैं जिसको चेस्मोगेमस फ्लावर लिख रखा है इनके अगर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था कि ये कौन से फ्लावर हैं दैट आर द चेस्मोगेमस के बिकॉज ये खिल गए हैं लेकिन बाइसेक्शन फ्लावर हैं ये क्या करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस इसमें कम हैं और ये जो क्लोज्ड फ्लावर हैं दिखा रखे हैं दैट आ द क्लिस्टोगैमस फ्लावर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अ एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन आपने दोनों की सेल्फ पॉलिनेशन की एडवांटेज डिसएडवांटेज भी करनी है और क्रॉस पॉलिनेशन की एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी करनी है पहले हम डिस एडवांटेज कर रहे हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन से ऑफसरिंग्स बनते हैं नेक्स्ट जनरेशन बर्थ लेती है वो हेल्थी रहती है सीड्स आर प्रोड्यूसन लार्ज नंबर और उनके लाइफ टाइम ज़्यादा लंबा होता लाइफ स्पैन मोर बायोज होते हैं है वो सीड्स जो हैं वो प्रॉपरली जर्मिनेट करते हैं और बेटर प्लांट्स बनाते हैं इससे न्यू वेराइटीज़ मिलती है और न्यू वैराइटीज़ में न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन्स होता है इस क्योंकि दो स्पीसी का मिक्सचर होता है इसलिए हमें जो नेक्स्ट जनरेशन मिलती है उसमें अच्छी अच्छे जीन्स होते हैं और वो पहली वाले अपने पेरेंट्स से थोड़ी बेटर होती है और अच्छे से इस नेचर में या इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाती है तो ये इसके कुछ एक एडवांटेज हैं डिसएडवांटेज क्या है इसमें हमेशा पॉलीनेटिंग एजेंट चाहिए क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा किसी एक्सटर्नल एजेंट के ऊपर डिपेंडेड है अगर पॉलीनेटर एजेंट टाइम से नहीं मिला तो पॉलीनेशन नहीं होगी पॉलन ग्रेन जो है वो बहुत सारे अमाउंट में प्रोड्यूस करने पड़ते हैं क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट जो है उसके यूज़ हो रहा है ट्रांसफ़र के लिए तो कुछ एक मीडियम में लॉस्ट हो जाते हैं कुछ एक पानी में ख़राब हो जाएंगे अगर पानी का मीडियम यूज़ हो रहा है कुछ हवा में इधर उधर जा सकते हैं अगर हवा का मीडियम यूज़ हो रहा है तो पॉलन ग्रेन बहुत सारे प्रोड्यूस कर थाउजेंड लैक्स के हिसाब से प्रोड्यू करने प्रोड्यूस करने पड़ते हैं दैट इज़ अ वेस्टेज ऑफ ग्रेन और वेस्टेज ऑफ एनर्जी उसके बाद है जो क्रॉस पॉलीनेटेड प्लांट्स हैं उनके उनको जो फ्लावर प्रोड्यूस करने पड़ते हैं वो लार्ज साइज़ के कलर्ड परफ्यूम्ड और बहुत सारे नेक्टर वाले फ्लावर प्रोड्यूस करने पड़ते हैं तो इसमें भी प्लांट्स की एनर्जी वेस्ट है तो दीज आर सम डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ पॉलीशन के बारे में आपको बने बता दिया definition है ये इसकी डेफिनेशन है वेन द पॉलिन इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इट इज़ अ सेल्फ पॉलीशन और ये पॉलीनीशन जो हर मेफ्रोडाइट या बाई फ्लावर्स में मोस्टली होती है सेल्फ पॉलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंट्स या एक्सटर्नल फैक्टर का डिपेंडेंस बहुत कम होती है ना के बराबर होती है और उसके बाद है सेल्फ पॉलीनेटिंग फ्लावर जो हैं वो सेल्फ पॉलीनेशन जो है जो फर्दर उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है ऑटोगेमी एंड जिटनोगी जिसमें से ऑटोगैमी इज द परफेक्ट सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉ जिटनो गैमी इजा जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन बट फंक्शनली क्रॉस पॉलीनेशन उसके बाद इसके एडवांटेज हैं एडवांटेज में क्या है कि जो हमने पहले ही पढ़ा कि सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो नेक्स्ट प्लांट बनेगा नेक्स्ट सीड या नेक्स्ट प्लांट बर्थ लेगा वो प्योर लाइन होगा जैसे करैक्टर पेरेंट में है वैसे ही नेक्स्ट जनरेशन में अगर पेरेंट में बहुत अच्छे करैक्टर हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में भी बहुत अच्छे करेक्टर आएंगे सेल्फ पॉलीनेशन में ज़्यादा वेस्टेज एनर्जी की नहीं हुई क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन फ्लावर जो है वो बंद फ्लावर होते हैं क्लोज फ्लावर होते हैं वो ज़्यादा शो ही नहीं होते ज्यादा बड़े नहीं होते ज्यादा नेक्टर प्रोडूस नहीं करते उसमें किसी एजेंसी का यूज नहीं हुआ एक्सटर्नल मीडियम का यूज नहीं हुआ एक्सटर्नल फैक्टर का कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है सेल्फ पॉलीनेशन के ऊपर इसलिए जो है उसमें ज़्यादा एनर्जी या फिर एक्सटर्नल मीडियम के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है ग्रेन भी कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं इसलिए फ्लावर पौधे की एनर्जी की भी वेस्टेज नहीं होती पॉलीनेशन की सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि बंद फ्लावर में अंदर ही अंदर ग्रेन अपने ही स्टिग्मा को फर्टिलाइज़ कर देंगे तो पॉलिनीशन की सक्सेस रेट भी ज़्यादा है सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से जो, जो रिसेसिव करेक्टर होते हैं दैट आर एलिमिनेटेड मोस्टली जो खराब करैक्टर होते हैं जो खराब जीन्स होते हैं वो रिसेसिव उन्हीं की वजह से पौधों में या हम लोगों में जो वे, या फिर कि खराब वाले आते हैं तो इसलिए नेक्स्ट जनरेशन जो है वो हो है? हो जो उसमें हो सकता है अच्छी वैराइटी ना हो क्योंकि हो सकता है अगर पेरेंट में अच्छे जींस नहीं है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी कोई नए अच्छे जीन ना आए या नए करेक्टर आपको न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जींस नहीं दिखेंगे न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीस तभी आते हैं जब दो अलग अलग पेरेंट्स फ्यूज होते हैं लेकिन इसमें एक ही पेरेंट के गीट फ्यूज हो रहे हैं जनरेशन में न्यू कॉम्बिनेशन आपको न्यू वेराइटीज आपको दिखाई नहीं देंगी सेल्फ पोनेशन के बाद जो सीड या फिर जो प्लांट प्रोड्यूस करता है वो इतना हेल्दी विग्योर एंड वाइटिलिटी नहीं होती इतना हेल्दी और उसकी उतनी सर्वाइवल रेट अच्छी नहीं होती क्योंकि उसमें न्यू फीचर इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं न्यू फीचर इंट्रोड्यूस नहीं होने की वजह से ऐसे प्लांट जो सेल्फ पॉलिनेशन से बने हैं दैट आर लेस इम्यून टू द डिजीजेज़ उनमें डिजीजेज़ के लिए इम्यूनिटी कम हो जाती है तो दीज आर द थ्री डिसएडवांटेज़ ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में आप पढ़ चुके उसके बाद किसमें क्रॉस पॉलिनेशन में कौन कौन से एजेंट्स यूज़ होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे टॉपिक वो बता रखा है ये बाद में हम डिस्कस करेंगे देन नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सेल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन तो ये आपके लिए असाइनमेंट है मैंने यहाँ भी बता रखा है कि सेल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है आपको आसानी से आपकी बुक में भी मिल जाएगा और आपने जो स्टडी किया सेल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में वहाँ से भी आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं तो आपने ये अच्छे से जो है वो अटैम्प्ट करके क्वेश्चन को असाइनमेंट के तौर पर मुझे बताना है उसके बाद नेक्स्ट है ऑटोगैमी एंड एलोगैमी मैंने पहले ही बताया कि कुछ एक जो बुक्स हैं उनमें सेल्फ पोलिनेशन की दो ही टाइप्स बताई हुई है ऑटोगैमी एंड एलोगी ऑटोगैमी इज द परफेक्ट सेल पोलिनेशन इन विच द पॉलंग्रैंड फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर एलोगी इज द क्रॉस पॉलिनेशन इन विच द पोलंग्रेम फ्रॉम अनदर फ्लावर फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर विच इज ग्रोइंग ऑन द अनदर प्लांट और ऑफ सेम स्पीसीज देन ऑटोगैमी और एलोगी में दोनों में डिफरेंस क्या है ऑटोगी सेल पॉलीनेशन है एलोगी क्रॉस पॉलिनेशन है ऑटोगैमी में अपना ही एग फ्यूज़ होता है अपने ही ग्रेन से एलोगी में एग फ्यूज़ होता है किसी दूसरे प्लांट के ग्रेन से एलोगी इज़ ओनली ऑफ वन टाइप दैट इज़ अ ऑटोगेमी सॉरी ऑटोगी इज ओ वन टाइप दैट इज़ अ ऑटोगेमी या फिर जिसको एक ही टाइप है इसकी ऑटोगी ही अपनी एक टाइप है और एलोगी के आगे दो टाइप है जीनोगैमी एंड जिटनोगी एलोगी जो है दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन और एटोगी इज़ नॉट क्योंकि एलोगी की वजह से प्लांट्स में न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स आते हैं वो चेंज होते हैं नेक्स्ट जनरेशन अपने पेरेंट्स से थोड़ी बेटर हो जाती है से धीरे धीरे वो चेंज होती है और चेंज होने के बाद एवोल्यूशन होती है या न्यू स्पीसीज धीरे धीरे डेवलप होती है लेकिन ऑटोग्रामी में कभी ऐसा नहीं होगा जो नेक्स्ट जनरेशन बर्थ लेगी वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से सिमिलर होगी सो so, इसमें एवोल्यूशन नहीं होगी तो ओलोग्रामी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एवोल्यूशन में तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है इज अ सेल पॉलीशन एंड जिटनोगी एंड जीनोगैमी कम्स अंडर द एलोगी तो इज अ क्रॉस पोलिनेशन ऑटोगैमी और एलोगी में कई बार पेपर में डिफरेंस पूछ लिया जाता है तो आपने अच्छे से इसको तैयार करना अगर कोई डाउट है आपको एलोगी और ऑटोगैमी में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ऑटोगैमी और एलोगी में वही डिफरेंस आप लिख सकते हैं जो सेल पॉलीनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में है बिकॉज इज अ क्रॉस पॉलिनेशन एंड इज अ सेल पॉलिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑटोगैमी एंड जिटनोगी ऑटोगैमी जो है वो परफेक्ट सेल पॉलिनेशन है इसमें अपने ही फ्लावर के पोलन ग्रेन सेम स्पीसीज के फ्लावर के या सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के एंथर स्टेगमा के ऊपर लैंड करके उसको फ्यूज करते हैं लेकिन जिट्नोगैमी जेनेटिकली तो ये सेल पॉलीनेशन है लेकिन जो अगर फंक्शनली देखें तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है बिकॉज इसमें क्या होता है पोलन ग्रेन ऑफ एंथरो फ्लावर गेट मेच्योर्ड एंड डिपोजिटिड एंड द स्टेगमा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट उसी प्लांट के ऊपर लगा हुआ एक और फूल उसके फ्लावर फ्लावर नंबर वन के जो पोलंग्रेन है वो फ्लावर नंबर टू के ऊपर लैंड करके उसको फर्टिलाइज करते हैं तो दैट इज़ अ जिटनोगी उसके बाद है ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन है जिट्नोगैमी जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन है लेकिन जेन जेनेटिकली देखें तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है क्योंकि फ्लावर प्लांट सेम ही है उसके बाद है अगर, अगर अडेप्टशन के बेस पर देखें तो ऑटोगैमी के में जो प्लांट है दैट आर अडेप्टिड टू डिपॉजिट पोलंग्रेन ऑफ एंथर ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर लेकिन जो दिस टाइप पॉलिनेशन इज़ फेवर्ड बिफोर ओपनिंग द फ्लावर ये तभी हो सकता है सेम फ्लावर के पॉलिंग्रेन सेम फ्लावर के स्टेम तभी लैंड कर सकते हैं जब वो फ्लावर कैसा हो क्लोज्ड हो लेकिन जिट्नोकैमी में जो है वो फ्लावर क्लोज नहीं होते वो ओपन फ्लावर होते हैं प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल फ्लावर और सिंगल स्टेम इज़ अ फैक्टर फॉर जिट्नोगी जिटनोकैमी में एक गा तो फ्लावर ओपन होने चाहिए और दूसरा एक ही पौधे के ऊपर बहुत सारे फ्लावर लगे हुए होने चाहिए प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल फ्लावर ऑन अ सिंगल स्टेम उसके बाद है ग्रेन अ ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज ऑटोकैमी एंड ग्रेन ऑन स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर दैट इज़ अ जिट्नोकैमी एडवांटेज क्या है ऑटोगेमी में कोई एक्सटर्नल एजेंट्स नहीं चाहिए जैसे करैक्स्टिक पेरेंट्स में है वैसे ही करैक्स्टिक जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में आ जाते हैं लेकिन जो जेट्नोगैमी है उसमें एक्सटर्नल एजेंट्स भी चाहिए और वैसे करैक्टर सेम नहीं आएंगे डिसएडवांटेज क्या है नो जेनेटिक वेरिएशन इज प्रोड्यूस बाय ऑटोगेमी एनर्जी वेस्टेज जो है वो पॉलीनेटर अटैक्ट वन डिसएडवांटेज ऑफ जेट्नोगैमी जो ऑटोगेमी है उसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती है और जो जटनोगैमी है उसमें जेनेटिक वेरिएशन आती है जो ऑटोगेमी है उसमें एक्सटर्नल एजेंसी का यूज़ नहीं होता है जो जटनोगी है उसमें एक्सटर्नल एजेंसी का यूज़ होता है तो ये एडवांटेज और एक एक एडवांटेज और एक एक डिसएडवानटेज है उसके बाद एग्जाम्पल बता रखे हैं ट्राइडिक्स ट्राइडक्स और सनफ्लावर्स ये ऑटोगेमी करते हैं इसी तरह आपने प्लांट्स जिन एक ही प्लांट जिस लोग मल्टीपल फ्लावर जिनके ऊपर लगे हुए हैं बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं वो आपने एग्जाम्पल सर्च करने हैं कि ऐसे कौन से फ़्लावर है जिनमें जिटनो होती है मैंने पहले भी आपको ये असाइनमेंट दी कि जितनोगैहमी और जीनोगी किस में होती है वो दो दो एग्ज़ाम्पल आपने याद करने हैं सो दिस दीसरा ऑल फॉर टुडे सेल्फ पॉलीनीशन और क्रॉस पॉलीशन में अच्छे से डिफरेंस करना है यहाँ मैंने बताया भी हुआ है आपको एक बार उसके बाद कल हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनीशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपने एक बार इसको जो है वो रिविज़न करनी है और इस टॉपिक में कोई डाउट है तो मुझे बताना है सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे थैंक यू हैव अ गुड डे